नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम यूपी पीजीटी बायोलॉजी के 2010 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, पैपावर पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो 1 है शुष्क बीज, ऑप्शन नंबर 2 कच्चे फल, ऑप्शन नंबर 3 जड़, और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो छाल दिया गया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 है। कच्चे फल से कह सकते हैं अफीम प्राप्त की जाती है। ये अगर देखा जाए अफीम की जो उत्पत्ति होती है वो कच्चे फल के दुधिया रस से होती है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर इसको इन जनरल बताया जाए, पैपावर सोमनीफेरम से जो अफीम की उत्पत्ति होती है वो मिल्की जूस ऑफ अनराइप कैप्सूल से होती है। जो अनराइप कैप्सूल यानी जो कच्चा फल होता है उसका जो दुधिया रस होता है उसी से कह सकते हैं अफीम की उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जालिकावत सिरा विन्यास वाली एक बीज पत्ती किस पौधे की होती है। तो जालिकावत सिरा विन्यास वाली एक बीज पत्ती स्माइलेक्स की होती है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन वो ऑप्शन नंबर 1 है। स्माइलेक्स के अलावा कह सकते हैं कोलोकस, एलोकैसिया एंड डायोस्कोरिया में भी कह सकते हैं रेटिकुलेट विनेशन पाया जाता है, जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। तो यहाँ पर स्माइलेक्स हमारे ऑप्शन नंबर 1 पर दिया गया है। तो स्माइलेक्स में कह सकते हैं जालिकावत सिरा विन्यास वाली एक बीज पत्ती स्माइलेक्स में पाई जाती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए हम अगला क्वेश्चन हमारा, गाइनोवेसिक वर्तिका किस कुल में मिलती है। गाइनोवेसिक वर्तिका किस कुल में मिलती है, किस फैमिली में गाइनोवेसिक स्टाइल पाई जाती है। तो जो गाइनोवेसिक स्टाइल होता है ये फैमिली लेबिएटी में पाया जाता है, और इसमें जो प्लेसेंटेशन होता है वो एग्जाइल होता है, प्लेसेंटेशन एग्जाइल होता है। और जब स्टाइल की उत्पत्ति कह सकते हैं, स्टाइल यानी वर्तिका की उत्पत्ति ओवेरियन लोब के मध्य से होती है, तो ऐसी स्टाइल को गाइनोवेसिक स्टाइल कहा जाता है। इसमें जो स्टिग्मा होता है जिसको वर्तिकाग्र कहा जाता है ये प्रायः बाइफिड होता है या कह सकते हैं द्विशाखी होता है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो फैमिली लेबिएटी है, जो ऑप्शन नंबर 1 पर दिया गया है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लूम्स किसका रूपांतरण है। इसमें देखते हैं फैमिली पोएसी जिसे घासों की फैमिली कहा जाता है, यानी फैमिली पोएसी जिसे घासों की फैमिली कहा जाता है, में स्पाइक लेट के ऊपर सूखी हुई छोटी स्मॉल ड्राई ब्रैक्ट्स को ग्लूम्स कहा जाता है। सूखी हुई छोटी कह सकते हैं जो ब्रैक्ट्स होती है जिसको सहपत्र कहा जाता है को ग्लूम्स कहा जाता है। ग्लूम्स जो होता है वो ब्रैक्ट का मॉडिफाइड रूप होता है या ब्रैक्ट का कह सकते हैं परिवर्तित रूप होता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है सहपत्र, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सहपत्र को ही ब्रैक्ट कहा जाता है इन इंग्लिश। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, और इसी सहपत्र का ही रूपांतरण हो जाता है किसमें, ग्लूम्स में। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रशांत केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो प्रशांत केंद्र जिसे क्वेश्चन सेंटर भी कहा जाता है ये रूट अपेक्स के सेंटर में पाया जाता है। रूट अपेक्स का सेंटर कहने का मतलब मूल शीर्ष में पाया जाता है, रूट अपेक्स के सेंटर में पाया जाता है। इसकी खोज
क्लोब्स ने 1961 ईस्वी में की थी। क्लोब्स नाम के साइंटिस्ट ने 1961 ईस्वी में की थी। इसके अलावा आप इसको दूसरी भाषा में भी समझ सकते हैं, जो वैस्कुलर प्लांट होते हैं, वैस्कुलर प्लांट के रूट का जो टिप होता है के गोलार्ध में 1000 से भी अधिक चपटी कोशिकाओं के समूह को प्रशांत केंद्र कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है मूल शीर्ष में, मूल शीर्ष ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो मूल शीर्ष में आर वार रूट अपेक्स में आप कह सकते हैं प्रशांत केंद्र पाया जाता है या स्थित होता है, इसी को क्वेश्चेंट सेंटर भी कहा जाता है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइलोसिस किसमें पाए जाते हैं, टाइलोसिस किसमें पाए जाते हैं। तो इसमें फ्लोएम कोशिका, जाइलम वाहिका, अंतस्त्वचा, रंध्र, इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं। तो ये जो टाइलोसिस होता है, टाइलोसिस होता क्या है पहले हम इसको जान लेते हैं। कह सकते हैं जो जाइलम वेसल्स होती हैं जिसको जाइलम वाहिका कहा जाता है, जाइलम वाहिका में गुब्बारे के जैसी या बैलून लाइक कह सकते हैं अतिवृद्धि को ही टाइलोसिस कहा जाता है। जो जाइलम वेसल्स होती हैं या जाइलम वाहिका में कह सकते हैं बैलून लाइक आउट ग्रोथ हो जाता है, गुब्बारे के जैसी एक अतिवृद्धि हो जाती है, उसी को टाइलोसिस कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 जिसको जाइलम वाहिका कहा जाता है या जाइलम वेसल्स कहा जाता है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो जाइलम वेसल्स में कह सकते हैं बैलून लाइक आउट ग्रोथ हो जाता है, गुब्बारे के जैसी कह सकते हैं अतिवृद्धि हो जाती है, इसी अतिवृद्धि को टाइलोसिस कहा जाता है। तो टाइलोसिस जो होता है वो जाइलम वाहिका में पाया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, एम्फीबेसल संवहन पुल किसमें पाए जाते हैं, एम्फीबेसल संवहन पुल किसमें पाए जाते हैं। तो एम्फीबेसल जो वैस्कुलर बंडल होता है, पहले वो क्या होता है हम उसी को जान लेते हैं। एम्फीबेसल वैस्कुलर बंडल किसको कहा जाता है, जब फ्लोएम जाइलम के द्वारा पूर्ण रूप से घिरा होता है, यानी जब फ्लोएम जाइलम के द्वारा पूर्ण रूप से घिरा होता है तो इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल को एम्फीबेसल वैस्कुलर बंडल कहा जाता है। और यह ड्रेसिना यक्का में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो ड्रेसिना नाम दिया गया है, ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 पर है, ऑप्शन नंबर 1 पर है ड्रेसिना, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ड्रेसिना यक्का, ड्रेसिना यक्का में पाया जाता है एम्फीबेसल वैस्कुलर बंडल या एम्फीबेसल संवहन पुल, ड्रेसिना यक्का में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा इसमें जो लाइकोपोडियम दिया गया है, लाइकोपोडियम इज कॉमनली नोन एज क्लब मास, इसको क्लब मास के नाम से जाना जाता है। पाइनस इज कॉमनली नोन एज चेयर पाइन के नाम से जाना जाता है। आरवर लॉन्ग लीफ इंडियन पाइन के नाम से जाना जाता है। जबकि इसमें कुकुरबिटा दिया गया है, कुकुरबिटी जो मेंबर ऑफ फैमिली कुकुरबिटेसी, जो फैमिली कुकुरबिटेसी है उसी का एक मेंबर होता है कुकुरबिट। तो ये हमारा इसमें जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है ड्रेसिना यक्का या ड्रेसिना, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब सहायक कोशिकाएं यौन प्रतिमुख कोशिकाएं भ्रूण बनाती हैं तब इसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है जो इसमें पूछा जा रहा है, जब सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं मींस होता है सिनरिजिड सेल्स, एंड प्रतिमुख कोशिकाएं मींस एंटीपोडल सेल्स, ये एम्ब्रियोस का फॉर्मेशन करती हैं तो इसे क्या कहा जाता है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 पर दिया गया है एपोस्पोरी, ऑप्शन नंबर 2 पर दिया गया है एपोमिक्सिस, ऑप्शन नंबर 3 पर दिया गया है एम्फीमिक्सिस, एंड ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया है बहुभ्रूणता, जिसको पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इस क्वेश्चन का, इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जबकि अगर ये कहा जाता है कि जब सहायक कोशिकाएं और प्रतिमुख कोशिकाएं कह सकते हैं भ्रूण का निर्माण करती हैं, तो इसको जनरली एपोगैमी कहा जाता है, जो इस ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। देखिए जब सहायक कोशिकाएं सिनरिजिड सेल्स एंड एंटीपोडल सेल्स, जिसको प्रतिमुख कोशिकाएं कहा जाता है, भ्रूण को बनाती हैं तो इसे एपोगैमी कहा जाता है।
एपोगैमी कहा जाता है, जो कि इस ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है जनरली वो विवादित है, तो चलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा तो इसको एपोगैमी कहा जाता है, जब सिनरेजिक सेल्स एंड एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं। तो चलिए हम लेकिन इसके में जो ऑप्शन दिया गया उसको समझ लेते हैं। एपोस्पोरी क्या होता है, एपोमिक्सिस क्या होता है, एम्फीमिक्सिस क्या होता है एंड पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है। हम एपोस्पोरी की बात करते हैं, इसमें जो बीजांड या न्यूक्लियस की कोई कोशिका, यानी जो बीजांड होता है या न्यूक्लियस है कि कोई कोशिका, कोई एक कोशिका ऐसे भ्रूण का निर्माण करती है जिसकी प्रत्येक कोशिका में डिप्लॉयड नंबर में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो इसे एपोस्पोरी कहा जाता है। यानी न्यूक्लियस की कोई कोशिका एक ऐसे भ्रूण का निर्माण करती है जिसकी प्रत्येक कोशिका में डिप्लॉयड नंबर में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो इसको कहा जाता है एपोस्पोरी। और यदि ऐसे एम्ब्रियो सैक के यज्ञ में मेल गैमेट के संयोजन के बिना भ्रूण का विकास होता है तो इसे पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। तो इसे पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। तो ये तो बात है एपोस्पोरी की। चलिए हम इसमें अगला ऑप्शन देखते हैं, एपोमिक्सिस क्या होता है। एपोमिक्सिस कह सकते हैं, कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में फर्टिलाइजेशन आर्वर्शिनगैमी और मियोसिस नहीं होते तथा इसकी अनुपस्थिति में पौधे का निर्माण हो जाता है, इस क्रिया को एपोमिक्सिस कहा जाता है। इसकी खोज जो है विंकलर ने कह सकते हैं 1908 में की थी। तो एपोमिक्सिस होता है इसी को कहा जाता है कि पौधों में क्या होता है फर्टिलाइजेशन आर्वर्शिनगैमी और मियोसिस नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, आर्वर्शिनगैमी नहीं होगी, इसके साथ साथ मियोसिस नहीं होता है तथा इस इन सब की अनुपस्थिति में क्या होता है नए पौधे का निर्माण हो जाता है, इसी क्रिया को एपोमिक्सिस कहा जाता है। इसकी खोज किसने की है, विंकलर ने की है। कब की है, 1908 में की है। अगला हम देखते हैं, इसमें दिया गया है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस क्या होता है, एम्फीमिक्सिस अगर देखा जाए जनरली सामान्य सेक्सुअल लाइफ साइकिल में फर्टिलाइजेशन अथवा सिनगैमी होता है, फर्टिलाइजेशन अथवा सिनगैमी होता है जिससे जायगोट बनता है, क्योंकि इस क्रिया में मेल गैमेट तथा एक फीमेल गैमेट का संयोजन होता है, अतः इसे एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। मींस जो एम्फीमिक्सिस होता है इसमें क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप जायगोट का निर्माण होता है। तो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का आपस में फ्यूजन ही जनरली फर्टिलाइजेशन आर वार कह सकते हैं सिनगैमी कहलाता है। तो दोनों का आपस में मिलना ही ये जो घटना होती है वही एम्फीमिक्सिस कहलाती है। इसमें जो अगला ऑप्शन दिया गया है बहुभ्रूणता, जिसको पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। ये पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, मीन्स एक ओब्यूल या सीड में कह सकते हैं एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। एक ओब्यूल हो या एक सीड हो में एक से अधिक अगर इम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, एक से अधिक इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसी को पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। पॉली एम्ब्रियोनी की जो खोज है वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने इसमें संतरे में की थी। तो इस तरीके से इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके बारे में हमने आपको से परिचय करवा दिया। जिस जो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें से कोई भी जो हमारा ऑप्शन है वो सही ऑप्शन नहीं है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब एक चतुर्गुणित पौधे का परागकण एक द्विगुणित पौधे को निषेचित करता है तब बीज का भ्रूणपोष होगा। एक चतुर्गुणित कह सकते टेट्राप्लॉयड प्लांट है, टेट्राप्लॉयड प्लांट का जो पॉलन होता है एक डिप्लॉयड कह सकते हैं, डिप्लॉयड यानी फीमेल जो प्लांट है के गैमेट यानी यग को क्या करता है फर्टिलाइज करता है। तो जो
भ्रूणपोष होगा वो कैसा होगा, उसमें पोलाइडी कैसे किस प्रकार की पाई जाएगी, तो वो जनरली टेट्रापोलाइड जो ऑप्शन नंबर 3 है 4N, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गेहूं में 200 दानों के निर्माण के लिए कुल कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए, मीन्स गेहूं के 200 दानों के निर्माण के लिए कुल कितने मियोटिक डिवीजन होने चाहिए। तो देखिए कह सकते हैं गेहूं के 200 दानों के निर्माण के लिए अगर देखा जाए तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन दिया गया है वो कह सकते हैं 250 है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो 250 यानी ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट ऑप्शन। कह सकते हैं 250 मियोटिक डिवीजन की आवश्यकता होगी, तो अगर हम इसको थोड़ा सा समझना चाहें तो हम यूँ समझ सकते हैं, कह सकते हैं 200 व्हीट ग्रेन्स विल डेवलप फ्रॉम 200 जायगोट। अगर हमें 200 गेहूं के दानों का विकास करना है तो उसमें 200 जायगोट की आवश्यकता होगी, और 200 जायगोट मतलब होता है 200 पॉलन प्लस 200 एग्स की आवश्यकता होगी। इसमें अगर देखा जाए तो कह सकते हैं 200 पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए हमको 50 मियोटिक डिवीजन्स की आवश्यकता होगी, हमको 50 मियोटिक डिवीजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक मियोटिक डिवीजन के द्वारा देखा जाए, एक मियोटिक डिवीजन के द्वारा जो पॉलन मदर सेल होती है वो 4 पॉलन को प्रोड्यूस करती है। तो 50 मियोटिक डिवीजन में ये कह सकते हैं 200 पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेगी जो पॉलन मदर सेल होगी, लेकिन अगर देखा जाए 200 एग्स को अगर हमको प्रोड्यूस करना है, 200 एग्स को अगर उत्पन्न करना है तो हमको 200 मियोटिक डिवीजन्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 1 मियोटिक डिवीजन में जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है वो 1 एग का प्रोडक्शन करती है। तो इस प्रकार हमको 200 एग के फॉर्मेशन के लिए या 200 एग को उत्पन्न करने के लिए हमको 200 मियोटिक डिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो 200 मियोटिक जो डिवीजन होगा वो 200 एग के फॉर्मेशन के लिए हो जाएगा, और जो 200 पॉलन के फॉर्मेशन के लिए हमको 50 मियोटिक डिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो टोटल अगर देखा जाए जो मियोटिक डिवीजन होगा वो 250 हो जाएगा, गेहूं के 200 दानों के निर्माण के लिए हमको टोटल 250 कह सकते हैं मियोटिक डिवीजन की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है 250, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस को हम इसके आगे वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।